जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है जिसका नाम हमने दिया है इनसे मिलिए। आज हमारे सभी चहेते और प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच हमसे और आपसे सबसे मुलाकात करेंगे। अपनी रचनाओं के साथ हमारे बीच आ रहे हैं अनंत भटनागर जी। अनंत भटनागर जी अजमेर में श्रमजीवी महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। 10-12 किताबें आलोचना पे लिखी हैं और पिछले 2-3 दशक से लगातार साहित्य से जुड़े हुए हैं। और साहित्य के साथ साथ एक बड़ी खूबी है इनमें कि आप सामाजिक जन सरोकारों से भी लगातार जुड़े रहे हैं और सामाजिक सरोकारों के प्रति आप लगातार चैतन्य रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, भागीदारी रही है। तो इनकी रचनाओं में भी जहां साहित्य को लेकर जहां खूबसूरतियां दिखाई देती हैं, वहीं सामाजिक सरोकारों को लेकर भी साहित्य पर उनका प्रभाव दिखाई देता है। आज भटनागर जी हमारे बीच हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आज हम इनसे सुनेंगे इनकी रचनाएं। तो आदरणीय भटनागर जी, स्वागत है आपका आपकी रचनाओं के साथ। बहुत बहुत आभार सक्सेना जी, और मैं सभी जन सरोकार मंच के श्रोताओं का भी स्वागत भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ, और इस मौके के लिए भी कि आपके माध्यम से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं सीधे सीधे कविताओं पर ही आता हूँ। और अभी जो समय है, ये जुलाई का समय, स्कूलों में प्रवेश का समय होता है, तो एक छोटी सी कविता वहां से शुरू करूंगा कि बच्चे को हम पहले दिन स्कूल जब भेजते हैं तो कितनी तरल भावनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक समसामयिक संदर्भ की एक कविता से मैं बात शुरू करूंगा। और आपने जैसा जिक्र किया कि सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी हुई और सामाजिक परिवेश की कविताओं पर मैं फिर अगली कड़ी में आता हूँ। तो एक ही कविता है, कांप रहा है मन। देहरी पर रखते हुए बाहर कांपता है जैसे दिया, कांप रहा है मन। मीत तुम्हें स्कूल को सौंप। देहरी पर रखते हुए बाहर कांपता है जैसे दिया, कांप रहा है मन। मीत तुम्हें स्कूल को सौंपते हुए, फूल तुम घबरा मत जाना, फूल तुम घबरा मत जाना अजनबी पंखुरियों के साथ। डरना मत स्कूल की अनजानी हवाओं में, न होना बेचैन क्लासरूम की अपरिचित गंध से। डर रहा हूं मैं कहीं टीचर के रंग बिरंगे सूट में तुम्हें दिखने न लगे गुब्बारे। डर रहा हूं मैं कि कहीं टीचर के रंग बिरंगे सूट में तुम्हें दिखने न लगे गुब्बारे, बच्चों की खिलखिलाहट से याद ना आ जाएं तुम्हें अपने खासम खास खिलौने। कुछ कहना चाहो तुम और न कह पाने की जुम्बिश, कुछ कहना चाहो तुम और ना कह पाने की जुम्बिश में फूट ना पड़े रुलाई। रोशन जिंदगी की आस में दीप सौंप रहा हूं तुम्हें दुनिया को, रोशन जिंदगी की आस में दीप सौंप रहा हूं दुनिया को, कांप रहा है मन, कांप रहा है मन। इस रचना के बाद एक जो कविता है, ये मोबाइल की जो दुनिया बनती जा रही है, तो इसमें श्रृंखला रही है, उसमें से एक कविता सुनाऊंगा, मोबाइल फोन और प्रेम। अब नहीं रहा वह समय कि लड़कियां भेजे संदेश कबूतरों के हाथ और करती रहें जवाब की अनवरत प्रतीक्षा। अब नहीं रहा वह समय कि लड़कियां भेजे संदेश कबूतरों के हाथ और करती रहें जवाब की अनवरत प्रतीक्षा। अब नहीं रहा वह समय
कि लड़कियां जागी रात रात और छिप कर रेशमी कपड़ों पर सिल दें कोई एक नाम। अब नहीं रहा वे समय कि लड़कियां लिखें कविताएं और गुनगुनाती इटलाती गुजार दें सुबह शाम। प्रेम जैसी सरल चीज के लिए कितनी कठिनाई सहने का समय नहीं है। प्रेम जैसी सरल चीज के लिए इतनी कठिनाई सहने का समय नहीं है। प्रेम के लिए उपलब्ध है एक मोबाइल दुनिया। प्रेम के लिए उपलब्ध है एक मोबाइल दुनिया। मोबाइल दुनिया जहां हर वक्त हर जगह किया जा सकता है प्रेम, जहां हर क्षण पलटी जा सकती है प्रेमियों से मनवार, जहां हर रोज बदले जा सकते हैं प्रेमी, जहां हर क्षण पलटी जा सकती है प्रेमियों से मनवार, जहां हर रोज बदले जा सकते हैं प्रेमी। मोबाइल दुनिया में प्रेम के लिए शब्द नहीं संपूर्ण शब्दावली है। प्रेम के लिए एक चित्र नहीं गतिक दृश्यावली है। कविता ही नहीं गीत है स्वर है ध्वनि गत्यावली है। इस गतिशील दुनिया में प्रेम के लिए लंबी तपस्या गहन साधना करते रहने का समय नहीं है अब किसी के पास। इस गतिशील दुनिया में प्रेम के लिए लंबी तपस्या गहन साधना करते रहने का समय नहीं है अब किसी के पास। इतने अंतराल में तो किए जा सकते हैं अनेक अनेक प्रेम एक के बाद एक या फिर एक साथ, एक के बाद एक या फिर एक साथ। मोबाइल फोन ने कर दिया है प्रेम करना बहुत आसान। और अब इस कविता का जहां मर्म है, मोबाइल फोन ने कर दिया है प्रेम करना बहुत आसान। सचमुच प्रेम की अनुपस्थिति में ही होता है प्रेम करना बहुत आसान। प्रेम की अनुपस्थिति में ही होता है प्रेम करना बहुत आसान। ये कविता थी यार। अन्य रचना जो एक कविता जो कि राजस्थान में काफी चर्चित रही, सामूहिक बलात्कार कांड पर थी, मुझे फांसी। मुझे मालूम नहीं वो दो थे चार या थे आठ, रहे होंगे 60, क्या फर्क पड़ता। मुझे मालूम नहीं वो दो थे चार या थे आठ या रहे होंगे 60, क्या फर्क पड़ता है। क्या बताऊं उनका हुलिया हुजूर, अंगुलियां नहीं थी उनके हाथों, सिर्फ तीखे और लंबे नाखून थे। आंखों की जगह तो बड़े बड़े अंगारे थे, होठों की जगह सिर्फ दांत ही दांत थे, कान नहीं थे उनके शायद। कान नहीं थे उनके शायद, या रहे भी होंगे कान तो भी वो बहरे तो थे जरूर, उन्होंने कुछ नहीं सुना था। क्या बताऊं उनका हुलिया हुजूर, अंगुलियां नहीं थी उनके हाथ में, सिर्फ तीखे और लंबे नाखून थे। आंखों की जगह तो बड़े बड़े अंगारे थे, होठों की जगह सिर्फ दांत ही दांत थे, कान नहीं थे उनके शायद, क्या रहे भी होंगे कान तो भी वो बहरे तो थे जरूर। क्या दूं मैं उनके जुर्म का सबूत, क्या दूं मैं उनके जुर्म का सबूत, सबूत के तौर पे वे रौंदती आंखें हैं जो आज भी मेरी आंखों के भीतर जिंदा है। सबूत के तौर पे मेरा रौंदा कुचला जिस्म आपके सामने है, जिसे उनकी ही तरह कानून पुलिस और वकीलों की निगाहों ने बींद डाला। सबूत के तौर पे वे ढेरों ढेरों रेंगते एहसास हैं जो आज भी मेरे जिस्म के पास हैं। पर क्या कानून के पास एहसासों को पढ़ने की किताब है, पर क्या कानून के पास डर और दहशत को नापने का कोई हिसाब, पर क्या कानून के पास एहसासों को पढ़ने की किताब है, पर क्या कानून के पास डर और दहशत को नापने का कोई हिसाब है। मुझे मालूम नहीं है उनका कोई और हुलिया, मेरे पास नहीं है उनके जुर्म का कोई और सबूत,
मुझे लगने लगा है आप ही सत्य कहते होंगे हुजूर। मेरी ही आंखों ने भड़काई होगी उनके भीतर आग, मेरे ही होठों ने दिया होगा उन्हें आमंत्रण, मेरे ही शरीर ने जगाया होगा उनके भीतर उन्माद। यही सत्य होगा हुजूर, क्योंकि मेरे पास ही तो मौजूद हैं होठ, आंखें और कपूल। हाँ हुजूर, सत्य हैं आप, वे और पुलिस। हाँ हुजूर, सत्य हैं आप, वे और पुलिस। सत्य हैं वकील, दलील और वकील। जीवन के इन तमाम शाश्वत सत्यों के मध्य एक असत्य में, जीवन के इन तमाम शाश्वत सत्यों के मध्य एक असत्य मैं हूं, असत्य है मेरा नारित। हाँ हुजूर, मुझे फांसी दो। हाँ हुजूर, मुझे फांसी दो। एक रचना जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में है, सांप्रदायिकता को संबोधित, अनजान। सद्दाम इरफान इमरान पेंटर। सुबह थामते हैं ब्रश हाथ में, दीवारों पर रंग रोगन करते करते धब्बों सी कपड़ों पर उतर आती है शाम। शब्बीर मैकेनिक है मोटर गाड़ियों का, नई पुरानी अड़ियल मरियल हर मॉडल की नस्ल सुधारने में माहिर। फारूक बेहद काबिल प्लम्बर है, शाहरुख की है वेल्डिंग की दुकान, महबूब ने सीखा है बिजली का नया काम, कासिम टैक्सी ड्राइवर है, वसीम बजरी ट्रैक्टर चलाता है, सलीम ट्रक पर जाता है देश परदेश, सरफराज की है मीठी आवाज, ईंट के ठेके पर करता है मजदूरी। सद्दाम इरफान इमरान नहीं जानते हिजरी के कौन से महीने में आती है बकरा और किसमें मीठी ईद। सद्दाम इरफान इमरान नहीं जानते हिजरी के कौन से महीने में आती है बकरा और किसमें मीठी ईद। शब्बीर को आती है मिस्त्रियों की बोली, उसे नहीं पता उर्दू को माना जाता है उसकी मातृभाषा। शब्बीर को आती है मिस्त्रियों की बोली, उसे नहीं पता उर्दू को माना जाता है उसकी मातृभाषा। फारूक शाहरुख महबूब नहीं जानते हिज्जे, वे आज तक नहीं सीख पाए हैं कैसे बोला जाता है ईदुल मिलादुन नबी। वे आज तक नहीं सीख पाए हैं कैसे बोला जाता है ईदुल मिलादुन नबी। कासिम को नहीं पता किस देश में है काबा, वसीम को नहीं पता ईरान और इराक में फर्क, सलीम को नहीं पता क्यों कटा है फ्रांस में एक सर। कासिम को नहीं पता किस देश में है काबा, वसीम को नहीं पता ईरान और इराक में फर्क, सलीम को नहीं पता क्यों फ्रांस में कटा है किसी का सर। शौकीन कुछ पढ़ा लिखा है टीवी का है शौक, रिमोट के बटन बदलते हुए वह भी नहीं जानता कि हर चैनल पर रोज उसे ही लेकर होती है। सलमान सलमान सरीका है बाका नौजवान। सलमान सलमान सरीका है बाका नौजवान, खुश होता है पंडित की लड़की जब निहारती है उसे, उसे नहीं पता इसे ही कहते हैं लव जिहाद। सलमान सलमान सरीका बाका है नौजवान, खुश होता है पंडित की लड़की जब निहारती है उसे, वह नहीं जानता इसे ही कहते हैं लव जिहाद। इमरान आसिफ इमरान नहीं जानते दुनिया के किसी शहर में जब फूटता है कोई बम, उसके मास्टरमाइंड वो हुआ करते। नजीम नदीर कादिर को नहीं पता उनके घर में पैदा होने वाला हर बच्चा जनसंख्या बढ़ाने की साजिश का एक हिस्सा है। नजीम नदीर कादिर को नहीं पता उनके घर पैदा होने वाला हर बच्चा जनसंख्या बढ़ाने की एक साजिश का हिस्सा है। इंसाफ इकराम इमरान को कोई नहीं जानता, रोजी रोटी पाना नहीं बल्कि दुनिया पे राज करना है उनके मुसलमान होने का मकसद। लोग डरते हैं शक करते हैं उनपे, लोग डरते हैं शक करते हैं उनपे, उन्हें सुनाई जा चुकी है ता उम्र नफरत की सजा, उनके नथुने इस गंध से भी रहते हैं अनजान, उनके नथुने इस गंध से भी रहते हैं अनजान।
चूंकि ये आज के समय कोई संबोधित एक और कविता एक हत्यारे सीरीज में, उसमें दो कविताएं हत्यारों ने खुशी मनाई हत्या की, हत्यारे दृश्य देख खुशी से नाच उठे। हत्यारों ने जारी किए हत्या के समर्थन में बयान, हत्यारों की हत्या करने के हौसले बढ़ते रहे, हत्यारों ने किए हत्या करते रहने के संकल्प। हत्यारों ने खुशियां मनाई हत्या कर, हत्यारे दृश्य देख खुशी से नाच चुके। हत्यारों ने जारी किए हत्या के समर्थन में बयान, हत्यारों की हत्या करने के हौसले और बढ़े, हत्यारों ने किए हत्या करते रहने के संकल्प। हत्यारों को विश्वास था सदा हत्या करते रहने के समर्थ, हत्यारों को विश्वास था सदा हत्या करते रहने में रहेंगे समर्थ। हत्यारे भूल चुके थे मृत्यु भी पास ही रहती है कहीं सन्निकट, हत्यारे भूल चुके थे मृत्यु भी पास ही रहती है कहीं सन्निकट। एक दूसरी कविता हत्यारे। हत्यारे अपने पूर्वजों की तरह हथियार नहीं रखते अब अपने हाथ, हत्यारे अपने पूर्वजों की तरह हथियार नहीं रखते अब अपने हाथ में, उन्हें देखने से कोई खौफ नहीं उमड़ता है। उनके नेत्रों भ्रकुटियों और भंगिमाओं में रौद्र और क्रोध का रेशा भी नहीं दिखाई देता, उनके नेत्रों भ्रकुटियों और भंगिमाओं में रौद्र और क्रोध का रेशा भी नहीं दिखाई देता। हत्यारे सुदर्शन है आधुनिक युग के, हत्यारे सुदर्शन है आधुनिक युग के, सूट बूट पहनते हैं वे, डिजाइनर कुर्तों पर पहनते हैं फबती हुई जैकेट, डिजाइनर कुर्तों पर पहनते हैं फबती हुई जैकेट, उनके चेहरों से काजू बादाम की आभा बरसती, चश्मों टाइयों घड़ियों और जूतों के दाम, उनके चश्मों टाइयों घड़ियों और जूतों के दाम तुम्हारे अहम को रगड़ कर रख सकते। हत्यारे हत्या कर घबराते नहीं, हत्यारे हत्या कर घबराते नहीं है अब, वो छुपते भी नहीं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं टीवी चैनल से, शांति सत्य और अहिंसा का संदेश। हत्यारे हत्या कर घबराते नहीं है अब, वे छिपते भी नहीं है, तुरंत प्रकट हो जाते हैं टीवी चैनल पर, शांति शांति सत्य अहिंसा का संदेश प्रसारित करते हैं, बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है जरा, बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है जरा, हंसने मुस्काने का उनका आकर्षक अंदाज छिपा ले जाता है उनके सभी राज, छिपा ले जाता है उनके सभी राज। हत्यारे भूतपूर्व हत्यारों का परिष्कृत संस्करण है, हत्यारे भूतपूर्व हत्यारों का, भूतपूर्व हत्यारों का परिष्कृत संस्करण। एक कविता सम्राट और पत्थर। सम्राटों को पता थी पत्थरों की खूबियां, दुर्गम वनों में छिपे पर्वतों की अभेद्य शुलाओं को घेर वे ले आते थे पत्थर, धरती के अतल गर्भ में बसे पत्थरों के गुण की भी होती थी उन्हें पहचान। सम्राट जानते थे पत्थरों की ताकत, शत्रुओं को डराने के लिए किया करते थे उनका इस्तेमाल, वे बनवाया करते थे दिनों दिन बुलंद और मजबूत किले जिन्हें देख उनकी छाती में बढ़ जाता था रक्त, दुश्मनों को रौंदने की बढ़ जाती थी चाहत। सम्राटों को पता थे पत्थरों के रहस्य, वे पत्थरों से ही रखते थे मठाधीशों को प्रसन्न, ऊंचे से ऊंचे बनवाते थे मंदिर और मस्जिद, जितनी बढ़ती जाती थी धर्म स्थलों की दीवारें प्रजा की आंख में बढ़ जाती थी सम्राट की ऊंचाई। सम्राट साधते थे पत्थरों से प्रेमिकाएं, सम्राट साधते थे पत्थरों से प्रेमिकाएं, अपने ताज को उनके पहलू में सजा वे चिनवाते थे प्रेम की बावड़ियां और महल, वे चिनवाते थे प्रेम की बावड़ियां और महल,
गढ़वाते थे उन पर प्रेम की अनन्य भंगिमाएं। जीवित प्रेमिकाएं ही नहीं, मृतकाओं की उपस्थिति स्मृति में भी बनवाते थे चित्रियां। जीवित प्रेमिकाएं ही नहीं, मृतकाओं की स्मृति में भी बनवाते थे छत्रियां। एक प्रेम मिट जाने की बात करते थे फिर वे अनेक प्रेम। पत्थरों को मूर्तियों में बदलना सम्राटों का शौक, पत्थरों को मूर्तियों में बदलना सम्राटों का शौक होता था, और इंसानों को पत्थर में बदल देना होता था उनका, इंसानों को पत्थर में बदल देना उनका होता था हुनर। पत्थरों से प्यार करते करते, पत्थरों से प्यार करते करते सम्राट भी बन जाते थे पत्थर, सम्राट भी बन जाते थे पत्थर। सुकून भरी नींद। इस कठिन समय में चैन से सोते हुए लोगों को देख संघर्ष सिराने रख मैं भी चाहने लगा हूं सुकून भरी नींद। इस कठिन समय में चैन से सोते हुए लोगों को देख संघर्ष सिराने रख मैं भी चाहने लगा हूं सुकून भरी नींद। मगर फूल से खिले तकिए पर सिर का भार रखते हुए कोमल सेमल की आहें गूंजने लगती और मस्तिष्क में उमड़ आती है सदियों से दबती घुटती स्त्रियों की कराहें याद। सभ्यता की शैया पर करवटें बदलते हुए मासूम चूलों की चरमराहट बन जाती है असंख्य मजदूरों की कुलबुलाती आवाज। सभ्यता की शैया पर सर रखते हुए मासूम चूलों की चरमराहट बन जाती है असंख्य मजदूरों की कुलबुलाहट, कुलबुलाती आवाज। मन की मुट्ठियों में दौड़ पड़ता है फिर से लड़ने का, मन की मुट्ठियों में दौड़ पड़ता है फिर से लड़ने का जोश। पलकों को चरम सीमाओं तक बांधे रखने के प्रयास में जब नींद देने लगती है अपने होने का आभास, लाल सपनों की चिंगारियां रोशन हो जाती है। नींद जब देने लगती है अपने होने का एहसास, लाल सपनों की चिंगारियों से रोशन हो उठती है आंख। जब जागता हूं मस्तिष्क तन के खड़ी हो मन की मुट्ठियां, जब जागता हो मस्तिष्क तन के खड़ी हो मन की मुट्ठियां, आंखें रोशन हो लाल चिंगारियों से कैसे रखा जा सकता है संघर्ष को सिराने, कैसे आ सकती है सुकून भरी नींद, कैसे रखा जा सकता है संघर्ष को सिराने, कैसे आ सकती है सुकून भरी नींद। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, और मैं आशा करता हूँ श्रोताओं को ये कविताएं पसंद आई होंगी। पुनः बहुत आभार, धन्यवाद।